हेलो गाइस वेलकम टू स्टडी विथ मी चैनल आज इस वीडियो में हिंदू एडप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स का मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं डेट मीन्स हिंदू एडप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट से रिलेटेड तो में इसके जितने भी सेक्शन है वो मैं पार्ट वाइज वीडियो अपलोड करूंगा इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी विथ मी पे तो गाइज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं इसमें हिंदू एडप्सन एंड मेंटेनेंस एक्ट को पढ़ाने वाला हूँ इसमें जितने भी सेक्शन आते हैं इसके अंतर्गत मैं सारे सेक्शन को कवर करूंगा और सारे सेक्शन का नोट्स जो है मैं डेट मीन्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा तो आप अपने नोट्स भी इसे क्लियर कर सकते हो तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आप भी हिंदू एडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट नाइनटीन पढ़ना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जितने भी हमारे वीडियो आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप भी अपने नोट्स को बना सके और इस टॉपिक को इस चैप्टर को आप पढ़ सके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसे समझते हैं हिंदू एडप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट नाइनटीन इसे हम लोग शॉर्ट में हामा नाइनटीन नाइनटीन भी बोलते हैं डेट मीन्स एच ए एम ए इसका मतलब होता है एच से हिंदू ए से एडप्शन एंड मेंटे एम से मैंटेनेस एंड ए स एक्ट देट मीन्स हिंदू एडप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में एच एम ए भी लिख सकते हैं अब इसमें हिंदू एडप्सन एंड मेंटेनेंस एक्ट में हमें पढ़ना है टोटल फोर चैप्टर है इसमें चैप्टर टोटल फोर है इसमें जो कि चैप्टर वन में सेक्शन वन से लेकर फोर तक पढ़ना है चैप्टर टू हमें सेक्शन फाइव से लेकर सेक्शन सेवेंटीन तक पढ़ना है चैप्टर थ्री में सेक्शन एटीन से लेकर ट्वेंटी एट तक पढ़ना है और चैप्टर फोर में ट्वेंटी नाइन और सेक्शन थर्टीन पढ़ना है चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं अब इसमें है एन एक्ट टू अमेंड एंड कॉडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू एडोशन एंड मेंटेन्स एमंग डेट मीन्स हिंदू एडप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स है वो एक लॉ जो कॉडिफाई अमेंडमेंट जो है ये रिलेटिंग टू एडप्शन एंड मेंटेनेंस एमंग हिंदू के लिए है ये चीज़ तो चैप्टर वन में हमें सेक्शन वन से लेकर सेक्शन फोर तक पढ़ना है तो सेक्शन वन हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट है डेट मीन्स दिस एक्ट में भी कॉल्ड द हिंदू एडप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। सेक्शन वन जो है वो हिंदू एडोप्शन एंड मैंटेन्स एक्ट नाइन्टीन को एक्ट को डिस्क्राइब किया है सेक्शन टू दिस एक्ट अप्लाइज अब ये एक्ट किस पे अप्लाई होता है वो हम देखेंगे तो इसका फर्स्ट पॉइंट है टू एनी पर्सन हु इज हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म्स और डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग अ अर सेवा एंड ए लिंग्यात और अ फ्लोवर ऑफ द ब्राह्मो प्रार्थना और आर्य समाज सेकेंड पॉइंट है टू एनी पर्सन हु इज बुद्धिस्ट जैन और सिख बाय रिलीजन थर्ड पॉइंट है अ चाइल्ड लिट्टीमेट और इलिक्टिमेट लिट्टीमेट हुज पेरेंट्स आर हिंदूज बुद्धिस्ट जैन और सिख डी पॉइंट डेट मीन्स फोर्थ पॉइंट है अ चाइल्ड लिट्टीमेट और इलिक्टिमेट वन ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदूज बुद्धिस्ट जैन और सिख एंड हैज बीन ब्राउट एंड हैज बीन सो अप। सेक्शन फाइव है डेट मीन्स फाइव पॉइंट है हमारे पास एन एवं चाइल्ड लिप्टीमेट और इलिक्टीमेट ऑफ अन पेरेंट ब्राउटअप इज अंदू बुद्धिस्ट ए सिक्स पॉइंट है अ पर्सन हु हैज़ बीन कन्वर्टेड टू दी हिंदू बुद्धिस्ट जैन और सिख रिलीजन इसमें हमें नोट डेट मीन्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टू अप्लाई द हिंदू एडप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट इन द टेरिटरीज द पर्सन शुड नॉट बिलोंग्स टू मुस्लिम क्रिश्चन पारसी और जीव बाय रिलीजन डेट मीन्स ये हिंदू हिंदू एडप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं स्टार्ट किए हुए हैं फिफ्टी सिक्स इसमें हमें जो है मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी और जो जो रिलीजन के लोग होते हैं उन पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा इसके आगे है सेक्शन थ्री सेक्शन थ्री में डेफिनेशन हमें पढ़ना है फर्स्ट पॉइंट में आपका दिया हुआ है ए में द एक्सप्रेशन कस्टम एंड यूज सिग्निफाई एनी रूल विच हैविंग बीन कंटिन्यूसली एंड यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम हैज़ ऑपटेंड द फोर्स ऑफ लॉ एम हिंदूज इन एनी लोकल एरिया ट्राइब कम्यूनिटी ग्रुप और फैमिली प्रोवाइड डेट दी रूल इज़ सर्टेन एंड नॉट अन रिजनेबल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड डेट मीन्स जो भी रूल इससे निकलेंगे जो भी कस्टम होंगे इनके रिवाज होंगे जो भी इनके रूल होंगे वो पब्लिक पॉलिसी के अपोजिट नहीं होना चाहिए पब्लिक को लेके इससे परेशानी नहीं होना चाहिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अन नहीं होना चाहिए ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए इनके कस्टम होते हैं प्रोवाइडेड फर्दर डेट इन देश ऑफ फर रूल अपीलिकेबल ऑनली टू अर फैमिली इट हैज़ नॉट बीन डिसकंटिन्यू बाई द फैमिली सेकेंड पॉइंट है बी हमारे पास मेंटेनेंस मेंटेनेंस इंक्लूड इन ऑल केसेस प्रोविजन फॉर फूड क्लॉथिंग रेसिडेंस एजुकेशन एंड मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट डेट मीन्स मेंटेनेंस जो है इंक्लूड इसमें होता है मैंटेनेंस के अंदर क्या इंक्लूड होता है डेट मीन्स फूड हो गया क्लोथिंग हो गया रेसिडेंस हो गया एजुकेशन एंड मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट ये सारे जो चीज़ होते हैं मेंटेनेंस के अंदर रखा गया है सेकेंड है इन द केस ऑफ एन अनमेरीड डॉटर एल्सो द रीजनेबल एक्सपेंस ऑफ एंड इंसिडेंट टू हर मेरेज डेट मीन्स अगर अनमेरिड डॉटर है तो उनका जो मेरिज का है और भी जो प्रोसीडर जो होंगे उनके अंतर्गत वो सारे चीज़ मेंटेनेंस के अंदर रखा गया है थर्ड पॉइंट है माइनर मीन्स अ परसन हुट कम हर एज ऑफ एटीन ईयर्स डेट मीन माइनर पर्सन किसे कहते हैं हम लोग जो जिनका एज एटीन ईयर्स कम्प्लीट ना हुआ हो या फिर वो मेल हो या फिर फीमेल सेक्शन फोर है हमारे पास ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट एनी टेस्ट रूल और इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ और एनी कस्टम और यूजेज एज पार्ट ऑफ डेट लॉ इन फोर्स इमिडिएटली बिफोर दि कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट सेल सीज टू हैव इफेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर फॉर विच प्रोविजन इज मेड इन दिस एक्ट डेट मीन्स कोई भी टेस्ट जो कोई भी रूल जो बनाया गया हो पहले इस हिंदू एडप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स के पहले जितने भी ये सारे प्रोविज़न होंगे उनसे रिलेटेड उस सारे चीज़ को सीज़ किया गया है डेट मीन्स उस सारे चीज़ को रद्द कर दिया गया है और नाइनटीन के बाद हिंदू एडप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट को ही अप्लाई किया जाएगा सेकेंड पॉइंट भी है एनी अदर लॉ इन फोर्स इमिडिएटली द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट सीज टू अप्लाई टू हिंदूज इन सो फार एज इट इज़ कंसिस्टेंट विथ एनी इनकन्सिस्टेंट विथ एनी ऑफ द प्रोविजन कंटेन इन दिस एक्ट सेकेंड भी वही है कमेंसमेंट से पहले जितने भी लॉ इसके इसके रिलेटेड जो भी लोग कमेंसमेंट से पहले जो होंगे वो सारे चीज़ को वो सारे लॉ को सीज़ किया जाएगा और हिंदू एडप्शन एंड मैंटेनेंस एक्ट को अप्लाई किया गया है नाइनटीन फिफ्टी से और इसे ही माना जाएगा तो ये हमने चैप्टर वन के अंदर सेक्शन वन से लेकर सेक्शन फोर का डिफिनेशन हमने सारे पढ़े सेक्शन वन क्या हो सेक्शन वन सेक्शन टू सेक्शन थ्री एंड सेक्शन फोर को हमने इस वीडियो में डील किया है तो गाइज़ ये सारे जो मैंने आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है आप वो सारे नोट्स को वो सारे चीज़ को आप नोट्स बना सकते हो अपने कॉपी में लिख सकते हो और इसे पढ़ सकते हो और अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आप अपने कमेंट करके पूछ सकते हो हमसे आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना कमेंट करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड के साथ जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं डेट मीन्स जिनको नोट्स प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं वो भी ये वीडियो को देख के अपने नोट्स को क्लियर कर सकते हैं बना सकते हैं तो उन्हें भी, भी ये वीडियो जरूर शेयर करें और स्टडी विथ मी को सपोर्ट कीजिए वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है तो आप लोग के लिए मैं नया नया कंटेंट लाते रहता हूँ इसलिए स्टडी विथ मी को सब्सक्राइब कर लीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो